हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आज से आप लोग एग्जाम है और एग्जाम होने से पहले जैक बोर्ड के माध्यम से बहुत बड़ी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है रांची पुलिस के माध्यम से ये नोटिस जारी किए गए हैं। आज इस नोटिस को बिल्कुल आप लोग जितना ज़्यादा हो सके हर एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट्स जो है ना एग्जाम देने के लिए घर से जाते हैं, चाहे वो खास करके मैं बात करूं मेनली तो गर्ल्स लोग जो जाते हैं वो याद रखिए अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं। अगर आप बॉय भी जाते होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो मान लेते हैं क्लास 10 के बच्चे हों, तो वो भी अपने पेरेंट्स को लेकर जाते हैं। और वो बाइक वगैरह कहाँ पर खड़ा करते हैं तो स्कूल के दायरे पर खड़ा करते होंगे। तो फाइनली जैक बोर्ड का जो कभी पहले जिंदगी में नहीं हुआ था वो जैक बोर्ड ने आज करके दिखाया। जैक बोर्ड के पुलिस अधिकारियों ने देखिए यहाँ पे लिखा है कि रांची पुलिस का आया बहुत बड़ी फैसला। जैक बोर्ड ने बहुत अच्छी तरह से पूरे साफ साफ कह दिया है कि एग्जामिनर के साथ, मतलब एग्जाम के स्टूडेंट्स के साथ, एग्जाम के कैंडिडेट जो एग्जाम पेपर देने के लिए जाएंगे वो उनके साथ जो उसको पहुंचाने वाले गार्जियन होंगे, वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन को भी हो सकते हैं, जो वहां तक जाएंगे उसको कहाँ रहना है, किस प्रकार के करना है, सारा चीज इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये झारखंड में फिर से आप लोगों के लिए पहली बार ये आप लोगों के होने वाला है। समझिएगा, अभी जस्ट आप लोगों का न्यूज आया है मेरे दोस्त कि जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा आज से प्रशासन मसूदे। आप सभी को पता है कि याद रखिएगा, प्रशासन मसूदे मतलब प्रशासन के माध्यम से, जैक बोर्ड का नोटिस नहीं है, जैक के पुलिस अधिकारियों का यह नोटिस जारी किया गया है, जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। समझेगा, माध्यमिक वार्षिक बोर्ड परीक्षा 6 से फरवरी तक होगी, पर 26 फरवरी से होगी सुबह 9 से 45। इसको बताने से पहले मैं बता दूं आप लोगों का, याद रखिएगा आप लोगों का 9:45 तक एग्जाम होगी। एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर कोई फर्स्ट हाफ में है तो 9:45, अगर बच्चे अगर क्लास 10 में है तो समझ लीजिएगा बाबू रे आप लोग इतना बजे स्कूल पहुंच जाना है। एग्जाम जितना बजे स्टार्ट होगी आप लोग इससे पहले पहले आप लोगों को पहुंच जाना है। मैं खास करके बात कर रहा हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान ना दें। इस बार याद रखिएगा, अगर 15 मिनट के बाद अगर 1 मिनट भी लेट हुआ, यानी 16 मिनट अगर लेट हुआ, तो याद रखिएगा आपको एग्जाम घुसने नहीं दिया जाएगा। इसका मेन मकसद यही कहने का है कि 1 मिनट भी स्टूडेंट्स अगर लेट किए एग्जाम हॉल आने में, याद रखिएगा गेट बंद हो जाएगी। आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, बिहार बोर्ड का लाइव प्रूफ देख सकते हैं, बिहार बोर्ड में 2 कॉपी ऐसा ही हो रहा है। 1 मिनट भी कोई ऐसा स्टूडेंट्स, चाहे आप गर्ल्स क्यों ना हो, आपको स्कूल में याद रखिए परमिशन नहीं है घुसने का। इसलिए एग्जाम आप लोगों के कब है तो 2 बजे से, याद रखिएगा 2 बजे से आपका एग्जाम है। तो आपको याद रखिएगा, आप कोशिश कीजिए कि 1 बजे तक हम पूरा स्कूल पहुंच जाएं। याद रखिएगा, कोशिश करिए कि हम 1 बजे तक, जैसे हम स्कूल वहां पर पहुंच जाए, वहां पे जाकर रेस्ट तो करेंगे मेरे दोस्त कि हम एग्जाम हॉल में पहुंच गए। ऐसा ना हो कि हम किसी जाम पे फंस गए हैं और हम जाम इतना भीड़ लग चुकी है, खास करके एग्जाम के समय जाम लगती होगी, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, इतना जाम लग चुकी है कि हम लोग वहां से निकल नहीं पा रहे और इस तरह से हमारा लेट हो चुका है। तो ये आप लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है वहां पे, इस बार पहले कह दिया है, ठीक है। कोई जाम हो, कोई दुष्परिणाम हो, कोई भी आपातकालीन स्थिति आ गई आपके रास्ते पे, कोई सुनवाई नहीं है इस बार से। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं सर। इसके लिए जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने, किसने, जिला प्रशासन याद रखिएगा और रांची पुलिस ने सुरक्षा ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की है। सभी परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए डीसी राहुल सिन्हा एवं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सुरक्षा और ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे निषेध आज्ञात लागू कर दी गई है। मतलब अब 200 मीटर, मान लेते हैं कि आप लोगों का ये स्कूल है, एग्जाम्पल मैं मान चल रहा हूँ, और ये आप लोगों को घुसने का रास्ता है, तो इस स्कूल से 200 मीटर तक आपके पेरेंट्स खड़ा नहीं हो सकता है। अगर खड़ा होगी तो एक जगह पे 2 व्यक्ति से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता है। पहले क्या होता था ना कि सभी पेरेंट्स जो है एग्जाम कैंडिडेट जब एग्जाम देने के लिए घुस जाते थे, सभी पेरेंट्स जिसके जान परिचय होते थे वो बातचीत करते थे आपस में मिलकर, ऐसे नो इस बार से ऐसा नहीं कर सकता है। खैर इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट को क्या है, इसमें बात करते हैं कि 200 मीटर के दायरे में 4 से अधिक व्यक्ति के जमा होने पर रोक, 4 व्यक्ति से अधिक जमा नहीं हो सकता है, कहां पे, 200 मीटर के दायरे पे। चलिए सर, पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, परीक्षा केंद्र के आसपास किसी प्रकार की बैठक या आम सभा नहीं होगी। आप सभी को पता है कि बिहार में अभी हड़ताल चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, इसी कारण से ये नोटिस आप लोगों को जारी किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी एग्जाम देने आए और आप लोग भी हड़ताल कर दिए। अभी जस्ट गिरिडीह में हो रहा है, 52 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला, आज से एग्जाम और अभी तक उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है, ठीक है, समझेगा। आगे कहता है कि आम लोगों के लिए बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बॉम्ब, बारूद आदि लेकर चलना गैर कानूनी है, मतलब आप नहीं ले जा सकते हैं।
परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले दोपहर 2 बजे तक परीक्षा केंद्र के आसपास मालवाहन का व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद होगी। मतलब ये सुविधा आप लोगों को दिया है कि एग्जाम होने से एक घंटा पहले आप लोगों का जितना भी मालवाहा मतलब माल ढोने वाला जो बाइक है उसको रोक दिया जाएगा ताकि आप लोग एग्जाम हॉल तक अच्छी तरह से पहुँच सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोगों का ये नोटिस जब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब भी जैक बोर्ड के माध्यम से कोई भी नोटिस आएगी मैं आप लोगों तक मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ना हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। साथ ही साथ यहां पे एक निषेध अपराध के बारे में बताया गया, समझिएगा, निषेधाज्ञा सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। परीक्षा केंद्र पर अभिभावक भी अनावश्यक रूप से भीड़ लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, फादर भी क्या करते हैं, गार्जियन भी, कोई काम नहीं है लेकिन वहाँ पे जाकर भीड़ लगा देते हैं। आगे कहते हैं जिससे परीक्षार्थियों तथा स्कूल के शिक्षकों को भी परेशानी होती है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा में पुलिस कर्मचारियों के अलावा दंडाधिकारियों को भी पर नियुक्त की गई है। मतलब आपके यहाँ पे पहले की तुलना में इस बार आपका गाइडलाइन थोड़ा सा अच्छी ढंग से किए जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है मेरे दोस्त, पढ़ाई अगर अच्छी तरह से किए ना तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लेना, ठीक है। इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों का, मैं आप लोगों को चाहता था कि एग्जाम से पहले, आप लोगों का 7 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम से पहले मैं चाह रहा हूं कि इंग्लिश कोर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश कोर लेकर स्टडी कर रहे हैं, कल उनका पेपर है, तो मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम से पहले आप लोगों का एग्जाम पेपर करवा दूं कि आप लोग तैयार है। और जो भी स्टूडेंट हिंदी कोर लेकर स्टडी कर रहे, याद रखिए कि हिंदी कोर, तो उन लोगों के लिए मैं 300+ क्वेश्चन ज्वाइन किया हूँ आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को मिस ना करें। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर इंग्लिश कोर में एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट करवा दीजिए, तो 12 घंटा पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा न्यूज़ जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, मिलते इसी तरह से एक नया अपडेट के साथ।